आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। इस खबर के प्रायोजक हैं। कब बदलेगा नील, कब बदलेगी तकदीर। आया नया उजाला, चार बूंदों वाला इंस्टा वायलेट कॉन्सेंट्रेट, कपड़ों के रेशे तक जाए, सफेदी का नया रंग लाए, नील हो जाओ। हाँ। महीने भर की सफेदी आओ। ज्योति लेबोरेटरीज का आविष्कार उजाला सुप्रीम, चार बूंदों वाला। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 23 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। बड़ौदा बाजार जिला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 23 जोड़ों का विवाह गायत्री पीठ मंदिर में कराया गया। वहीं जिला परियोजना अधिकारी ने बताया कि इस विवाह में 9000 का सामान और 1500 रुपये का चेक प्रदाय किया जाता है। इस विवाह योजना में कुल 25 जोड़ों का पंजीयन हुआ था, जिसमें से 23 जोड़े कार्यक्रम में उपस्थित हैं। वहीं पर्यवेक्षक ने बताया कि एक जोड़े ऐसे भी हैं जिसमें लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू है तथा दो जोड़े दिव्यांग हैं। विवाह दोनों परिवार के रजामंदी में सम्पन्न कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक के साथ ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद रहे। बड़ौदा बाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट। किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, उसी बाधा निवारण के लिए दसों दिशाओं के दिक्पालों को सजग कराना है। हे देवताओं, हे दिक्पालों, हम विवाह कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और जिस हाथ में आप तलावा बांध रहे हैं उस हाथ की मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरे हाथ सिर पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए 23 जोड़ा उपस्थित हुए हैं। और इस जोड़े के विवाह के दौरान जो इनको 9000 का सामग्री के रूप में दिया जाएगा और 1500 का चेक या राशि नगद इनको लिफाफे में भर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा 2000 जो राशि है उसमें से ये पंडाल, बैठक व्यवस्था, पूजन अर्चन पंडित का उस पर वह हो रहा है, का हो रहा है शादी, 23 जोड़े का जो शादी हो रहा है उनकी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर है, पर्याप्त हम लोग कर लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत यहाँ गायत्री मंदिर प्रांगण में हमारे जो 23 जोड़ों का विवाह हो रहा है उसमें मुख्य बात ये है कि हमारे बीच में एक दिव्यांग जोड़ा है और एक जोड़े में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सम्मिलित है और वधु के रूप में, और एक जोड़े में जो कन्या है वो मुसलमान है और जबकि लड़का हिंदू है। और ये सब परिवारजनों की सहमति से ये जो है विवाह यहाँ पर सम्पन्न कराया जा रहा है।